अगर आप लेटेस्ट कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, stitchinghall.com में आपका स्वागत है। आप लोग काफी दिन से पूछ रहे हो पजामा और पेंट की मेजरमेंट नाप कैसे लेते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने नाप लेने का सिस्टम समझा है और उसी तरीके से मैं आपको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, नाप लेना, सही तरीके से नाप लेने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब नाप सही होगा तभी हमारी ड्रेस की कटिंग भी ठीक होगी और ड्रेस की सिलाई भी उसकी बाकी ही बात है। और नाप सही होने से हमें हमारा जो यदि हम नाप सही तरीके से लेते हैं, मेजरमेंट सही तरीके से लेते हैं तो हमारा टाइम बच रहा है क्योंकि हम जिसके लिए भी ड्रेस बना रहे हैं या जो भी हमारा कस्टमर है उससे हमें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कॉपी पर हमने नाप लिखे हुए हैं उन्हीं को रेफर कर सकते हैं, उन्हीं को देख सकते हैं और उसको देखते हुए हम अपनी ड्रेस की कटिंग सुविधापूर्वक कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम बचेगा, फिटिंग सही आएगी और कस्टमर को तो सेटिस्फेक्शन होगी ही क्योंकि वो देखेगा जब कि हमने नाप सही तरीके से लिखा है तो उसे थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ उसकी ड्रेस सही बनेगी। तो जो पजामा है, पजामा जो दो चीज़ आपने पूछी है, पेंट और पजामा। पजामा जब हम बात करते हैं पजामे की तो मैं उसमें प्लाजो भी आपको बता देती हूँ क्योंकि एक जोक है जो आजकल व्हाट्सएप पर बहुत चल रहा है कि क्या डिफरेंस है पजामा में और प्लाजो में। तो पजामा सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है और प्लाजो गवर्नमेंट एजुकेटेड है, यानी कि पजामे की ही फॉर्म है प्लाजो लेकिन उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं। उसके अंदर स्टाइलिंग के लिए पॉकेट्स लगा दी गई हैं, कलर, कपड़े का टेक्सचर, कपड़े का फील जो होता है, कपड़े को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर दिया गया है, उसको अलग सिलाई, पाइपिंग, लेस, ये सारी चीज़ें जोड़ दी गई है, थोड़ा फ्लेयर ज़्यादा बना दिया गया है, कंफर्टेबल उतना ही है जितना पजामा है। आइए समझें कि किस तरह के लोअर्स के लिए आपको क्या क्या नाप चाहिए। लोअर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इलास्टिक नाड़े वाले या फिर फेल्ट वाले। तो जो इलास्टिक या नाड़े वाले होते हैं उनमें पजामास, प्लाजो, शरारा, सलवार इस तरीके के आते हैं और इसमें आपको लेंथ, हिप और मोरी, बस ये तीन नाप चाहिए। इलास्टिक गाउन है तो आपको कमर का नाप चाहिए होगा। फिर आपको फॉर्मल पैंट्स या ट्राउजर्स या फिट जो हमारी लोअर्स होते हैं वो बनाने हो तो आपको इसमें बेल्ट विड्थ चाहिए, इनसाइड लेग चाहिए। टाइट पैंट्स, चूड़ीदार, जीन्स आपको बनानी है तो आपको थाई का नाप चाहिए होगा, घुटने का नाप चाहिए होगा और क्रोच या सीट राइज का भी नाप चाहिए होगा। तो हम ये नाप लेंगे कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। आपको जिसका नाप लेना है उनको कहिए कि वो सीधे खड़े हो जाएं, पांव जोड़कर रखें और आप फिर कमर के नाप से हम शुरू करेंगे। तो कमर, कुछ लोगों का पेट मोटा होता है तो उस केस में कमर का पता नहीं चलता, शर्ट के ऊपर से स्वेटर या जैकेट हो तो उतार लें और अपने जो कोहनी है इस तरीके से मोड़ें कि वो जो सबसे हॉलो वाला, सबसे गहरा हिस्सा है शरीर के बीच का वहां तक आए, ये आपकी कमर है। कुछ लोग पैंट ऊपर पहनते हैं, कुछ थोड़ा नीचे पहनते हैं, तो जहां पर पैंट पहनी जाती है आप पूछें और उसके हिसाब से कमर का नाप लें। फिर आप हिप का नाप, जो शरीर का हिप का सबसे चौड़ा हिस्सा हो उसका राउंड इंच टेप पूरा सीधा लेते हुए तब आप राउंड नाप लें। जहां पर पैंट पहनी हो वहां से लेकर जितनी फुल लंबाई लेनी चाहते हैं उतनी ले लें। इसी वीडियो के आगे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस अलग अलग लंबाई की पैंट्स, शॉर्ट्स होते हैं, तो जितनी लंबाई आप लेना चाहते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से या कस्टमर की पसंद के हिसाब से आप उतनी लंबाई ले सकते हैं। एंकल तक आप फुल पैंट की लंबाई लेते हैं। फिर हम यदि फॉर्मल पैंट्स बना रहे हैं या टाइट पैंट्स बना रहे हैं तो हम इनसाइड लेग नाप लेंगे। इसके लिए कस्टमर को बोलिए कि वो अपने हाथ से जहां पर इनका आसन खत्म होता है वहां से
पेंट की मोरी तक आपको नाप लेना है। ये अंदर का पांव के अंदर की तरफ आप नाप लेते हो। ये नाप आपको पजामे में लेने की जरूरत नहीं होती। फिर यदि आप चूड़ीदार बना रहे हैं या टाइट स्लैक्स बना रहे हैं तो फिर आपको घुटने का नाप चाहिए होता है, तो आप एक पांव के घुटने को हल्का सा मोड़िए, जितना टाइट या जितना ढीला लेना चाहते हैं, फिटिंग चाहते हैं आप, उसके हिसाब से आप घुटने का और थाई का भी नाप जितना ढीला टाइट लेना चाहते हैं वैसे ही लीजिए। मोरी का नाप भी अपनी पसंद के हिसाब से ढीला टाइट ले सकते हैं। अब आपको चाहिए सीट राइज, चूड़ीदार या टाइट स्लैक्स बनाते हुए आपको इस नाप की जरूरत होती है जब बॉडी फिटिंग पैंट्स होती है। तो इसके लिए हम एक स्केल लेंगे, एक फुटा लेंगे और जीरो नीचे की तरफ है, बड़ा नंबर ऊपर है, तो ये तकरीबन 10 है। तो जहां पर पैंट पहनते हैं तो तकरीबन 9.5 या 10 इंच, जितना कस्टमर की इंटरेस्ट है, जितना पसंद है उसको, उसके हिसाब से आप नाप इसका ले लीजिए। या आपकी क्रोच लेंथ या हिप राइज या बॉडी राइज आप इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये थोड़े बहुत से नाप चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है नाप लेना, बहुत ही आसान है। अब लंबाई के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, एक शॉर्ट शॉर्ट्स है, फिर है शॉर्ट्स जो 2 इंच नीचे तक आएंगे क्रोच से, शॉर्ट्स 1.5 इंच तक आते हैं, जमैका शॉर्ट्स क्रोच लाइन और नी लाइन के बीच का हिस्से तक होते हैं, बरमूडा जमैका लाइन और नी लाइन के बीच तक आता है, नी लेंथ का नाम से ही पता है नी तक आएगा यानी घुटने तक आएगा, पैडल पुशर नी से यानी घुटने से 2 इंच नीचे तक आते हैं, टोरियाडोर मिडवे ऑफ नी और बॉटम लाइन के बीच से है, और कैप्री भी जनरल 2 से 5 इंच अबव आएगा मोरी से, पेंट तो मोरी तक आपकी नीचे तक आएगी ही। चूड़ीदार में हमें जहां तक मोरी है हमारी उससे 9 इंच तक हम कपड़ा फालतू लेते हैं। अभी जो हमारे पैंट्स या पजामे या जो भी ड्रेस है उसका नीचे की शेप कैसी है मोरी की, उसके हिसाब से भी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये नैरो हो सकती है, वाइड हो सकती है, नैरो होगी तो नीचे आपको हुक या बटन लगाने पड़ेंगे। और इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताती हूँ कि जब आप किसी और का नाप लें तो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप कस्टमर के बिल्कुल सामने खड़े मत होइए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए उनके साथ, यदि उन्हें कोई बीमारी है या कोई बदबू है तो फिर आप उससे बचे रहेंगे। फिर आप कस्टमर की बॉडी को अननेसेसरली टच मत कीजिए, आपको मेजरमेंट लेते हुए थोड़ा डिस्टेंस रखना है, और जो भी मेजरमेंट लें उन्हें लिख जरूर लें और डबल चेक कर लें ताकि सिलते वक्त काटते हुए कोई आपको डाउट ना रहे। इसके लिए जरूरी है जितने भी मेजरमेंट्स हैं आप एक क्रमवार सिलसिलेवार तरीके से लेते जाइए और कस्टमर को बहुत ज्यादा हिलाइए। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।